यार भव्या की शादी हो रही है। Hey cuties, कैसे हो आप सब? This is Aditi. Welcome back to my channel. तो मैं आ गई हूँ भव्या की शादी में। Finally भव्या की शादी हो रही है यार। तो आपको याद होगा मैं गई थी दिल्ली, शॉपिंग किया था हमने चांदनी चौक से भव्या जी की शादी के लिए, और भव्या जी की शादी है अब। आओ देखते हैं, यहाँ पे सुबह ना एकदम प्रिपरेशन चल रही, टेंट वेंट लग रहा है। लेट्स सी हाउ मेनी डेज टू गो। फोर नो हाँ फोर टू डेज 24 हाँ। सो ये सब टेंट की प्रिपरेशन हो रही है, पूजा के लिए टेंट लग रहा है, उसके बाद हल्दी मेहंदी सब 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 इधर ही करेंगे हम। तो ये सुबह सुबह प्रिपरेशन चालू हो गई है और मैं आ गई हूँ प्रयागराज। और कल बैचलरेट पार्टी थी, मैंने उसकी ज़्यादा क्लिप्स ली नहीं एक्चुअली। मैंने कहा यार फुल आज से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, एंड तक देखिएगा। तो भव्या रिटर्न गिफ्ट्स में आइटनरी हैंग करने भूल गई, तो इस ये वाला काम मुझे मिल गया एज यूजुअल। तो चलो करते हैं। तो ये बॉक्सेस ऑलरेडी रेडी हैं जिसमें बहुत सारे स्नैक्स ड्रिंक्स हैं, तो ये ना हर एक एक रूम में जाएंगे। तो ये पूरे रेडी हैं, बस इसमें हमें एक आइटनरी ऐड करना है ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि कितने बजे कब हमें रेडी होके बाहर अपने रूम से आना है, ठीक है। बट मैं तो कभी फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि मैं कभी टाइम पर रेडी ही नहीं हो पाती हूँ यार। ठीक है अभी बहुत सारी बातें हो गई, इसको फटाफट से निपटाना है क्योंकि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग बचे हुए, सारे के सारे निपटाना है यार। चलो चलते हैं गाइस। तो अब हम जा रहे हैं नेल्स करवाने। अपने नेचुरल नेल्स में की एक्स्ट्रा कुछ? नहीं नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। भव्या जी को तो नेल्स करवाना ही था, हम भी फर्जी में आ गए कि चलो हम भी करवा लेते हैं। बट यार ये बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है कि कोई आपका नेल करे, क्योंकि मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं DIY करने के पहले नेल पेंट लगाती हूँ, DIY करते से ग्लू और ये सारी चीजें लगा लेती हूँ, एकदम डर्टी सा लगता है। तो लो मैंने करवा ली है ओम्ब्रे नेल्स। तो हम शाम को वापस लौट के आए तो काफी सारी डेकोरेशन ऑलरेडी कम्प्लीट हो गई है, कुछ अभी भी इन प्रोसेस है, और जो सारी चेंजेस हमें बताना था वो ऑलरेडी हमने बता दिया है, तो वो सारी चीजें अभी चल रही है। यह शादी वाले घर की ना वाइब ही अलग होती है, हर जगह इतने सारे कलर्स, सो मच ऑफ फेस्टिविटीज, लाफ्टर, गुड वाइब्स, मतलब मस्ती माहौल बना रहता है यार। तो शादी की गुड बिगनिंग के लिए सबसे पहले एक पूजा हो रही है। यहाँ पे पूजा भी चालू हो गई और हम अभी तक नहे नहीं है, और पंडित जी कह रहे थे कि उन्हें भी व्लॉग में आना, इसलिए उनकी स्पेशल क्लिप। बस गणपति जी के दर्शन से हम ये शुभ आरंभ शुरू करते हैं। गणपति बप्पा बस अब जो हल्दी के लिए मांग टीके स्टार्ट किए थे उन्हें कंप्लीट करना है, हम बहुत सारे लोग हैं तो सबके लिए एक एक मांग टीका होगा, काफी टाइम लगेगा बट जल्दी से इसको वाइंड अप करना है क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है। भाई साहब अभी थोड़ी देर में सुंदर कांड भी, उसके लिए भी रेडी होना है। और यार भव्या का आधा घर ना प्ले स्कूल में डिवाइडेड है, तो अब 3-4 दिन यहीं रहेंगे। व्हाट आर यू ईटिंग? शेयरिंग सीट्स रिटन शेयरिंग। देखो हम लोगों ने तुम्हें अपने हैम्पर में शेयर कराया ना। थैंक यू। ये शेयर करवा दो। थैंक यू। मैंने इसको दिया था। बिछा लेंगे आंटी। उन्होंने बोल दिया वो रखवा दीजिए, हम लोग बिछा लेंगे कुछ। माँ दिस रूम इज नाउ आवर्स। बिल्कुल। तुम्हें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। हम सब मेहनत कर रहे हैं, भव्या तैयार हो रही है। ठीक है ब्राइड टू बी। मेरे पास उसी का है मेकअप स्टूडियो का। यहाँ ब्राइड रेडी हो रही है और वहाँ हमारी क्राफ्ट रहती रेडी हो रही है। लो बाहर पूजा स्टार्ट हो गई और हम सब अभी रेडी ही हो रहे हैं। Thank you.
किसको ढूंढ रही हो? हनुमान जी का। ये आंखें किसको ढूंढ? लाओ ये देखो, ये रहा वर्णन। कहाँ गया हनुमान जी की कार्य? कहाँ गया? और हनुमान जी की महिमा का वर्णन करेंगे हनुमान चालीसा के माध्यम से। सीजू आ गए, सीजू, सीजू जी। अंजनी पुत्र पवन सुत प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए एक फूल बहुत है, किसी का दिल दुखाने के लिए एक शूल बहुत है, और प्रभु से सजा पाने के लिए एक भूल बहुत है, और इस भवसागर से तर जाने के लिए प्रभु के चरणों की धूल ही बहुत है, धूल ही बहुत है। सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, माधव राज की, गौ माता की, हर हर महादेव। भैया पेट पूजा हो जाए क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही, रात में भूखे बच्चे मंगवाए हैं पिज्जा। शादी के घर में इतना खाना है फिर भी भूखे लोगों के लिए बाहर से पिज्जा मंगवाना पड़ा। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह संगीत के लिए डांस प्रैक्टिस चालू हो गई यार। थोड़ी सी सनलाइट और फ्रेश एयर लेने आई हूँ बाहर। आज है मेहंदी डे और बाहर मेहंदी की प्रेप्स चालू हो चुकी है। ये एक स्टॉल लगा है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि टेक अवे है। तो दिस स्टॉल इज रेडी, बाकी के डेकोरेशन साथ में चल रहे हैं। द बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि सब कोई कुछ ना कुछ डेकोरेट कर रहा है। ये है फैमिली ट्री जिसमें सब कोई अपना थंब प्रिंट देगा और भव्य इसको एज अ मेमोरी रखेगा। वाओ, और ये हो गया है रेडी। भाई साहब मैं हमेशा लेट होती हूँ, अभी भी मैं नाइट सूट में हूँ जबकि मुझे रेडी होना है यार, लेट हो रही है, बट डेकोरेशन ऑलमोस्ट डन। सो ये है भव्या का आज का बैकड्रॉप, और चलो आओ एक बार आपको टूर देती हूँ कि कैसा डेकोरेट हुआ है पूरा का पूरा। तो अभी आपको एक राउंड लेके दिखाती हूँ, आपको हर जगह कुछ ना कुछ एलिमेंट दिखेगा, मतलब यार एक भी कोना नहीं छोड़ा है। अभी सबको देख के थोड़ी सी दिलासा आ रही कि ठीक है बहुत ज्यादा लेट नहीं हुई हूँ, फिर भी आई हैव वन आवर, तो फटाफट से रेडी होना है और वापस से आना है मेहंदी के लिए। तो आज है घर वाली मेहंदी और संगीत, चलो लेट्स गेट रेडी और भव्या के थंब प्रिंट से इस फैमिली ट्री को भरना शुरू करते हैं। आ जाओ अपनी भी छाप छोड़ देते हैं। सबको यहाँ से एज अ मेमोरी के लिए कुछ ना कुछ ले रहे हैं कि ये भव्या की मेहंदी का सामान है। अंकल कैसा लग रहा है आपको? भव्या की मेहंदी है, कैसा लग रहा है? तुम दोनों ने इतना बढ़िया माहौल कर दिया है, मजा माहौल सेट है। हमारी प्यारी बंदों की मेहंदी लगना शुरू हो चुकी है। भैया नाम कहाँ लिखवा रही हो? दिल में। भैया कह रहे हैं वो लिख देंगे, हम लोग को ढूंढना होगा। दिल में लिखवा लो, दिल में लिखवा लो। प्यारे बड़े नाना, प्यारे नाना, सबसे प्यारे भीषु मामा, हम सबको ब्लेस करने के लिए टैलेंटेड आर्टिस्ट को देखो, इन्होंने लाइव पेंटिंग बनाई और कितनी अमेजिंग बनाई है यार। फिर मैंने बात की अपनी क्यूट लिटिल सब्सक्राइबर से जो कल आके मुझसे मिलेगी। चलो भाई काम पे लग जाओ, सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो यही है भव्या के बाल खोलना। ओ गॉड, यहाँ पे पार्टी ही नहीं खत्म हो रही भाई साहब।
गुड मॉर्निंग. सो टुडे इज रिंग सेरेमनी और मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई है बिकॉज मुझे वीडियो शूट करना रहता है और वीडियो शूट करना इज वन ऑफ माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज और सबसे ज्यादा विजिबल मेरे हाथ होते हैं. बट यार दोस्त की शादी है, रोज रोज थोड़ी नहीं होती, तो चलो थोड़ी सी मेहंदी लगवा लेते हैं. सो दिस इज हाउ माय मेहंदी लुक्स लाइक. और आज के लिए मैंने मेकअप आर्टिस्ट बुला के रखा था क्योंकि मुझे साड़ी लुक सबसे बेस्ट चाहिए था. एंड गेस फॉर जो मेकअप आर्टिस्ट है उसका नाम भी अदिति है एंड शी इज अ सुपर वुमन. कितना सुंदर बना दिया भाई साहब. चलो लेट्स फ्लॉन दिस ब्यूटीफुल लुक. भाई साहब एक तो मैं साड़ी पहनती नहीं और जब पहनती तो क्या गजब लगती हो. आहा ठीक है मैं साड़ी ज्यादा पहनूंगी. अब पहन तो लूंगी बट संभालूंगी कैसे. चलो आ जाओ आज पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. तो चलिए शुरू करते हैं गोलगप्पे के साथ. इसी बात में कमेंट में जल्दी से बताओ कि आपकी सिटी में गोलगप्पे को क्या कहते हैं. टुडे इज द न्यू डे और आज हल्दी एंड वेडिंग डे. आज वो जो मांग टीके हमने बनाए थे वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो हमारी दुल्हन जी ने तो ऑलरेडी पहन के रखा हुआ है, बाकी हम सब पहन लेते हैं. और यार काउरी शेल तो इज नेवर आउट ऑफ फैशन, मतलब हमेशा ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल लगता है. आए हाय हमारी बन्नो जी येलो में तो बहुत खिल रही हैं. God, I am not crying. We all are crying. Shit, Bhavya, तुम इतनी बड़ी कब हो गई यार? गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते. शिक्षा पढ़ने से पहले आप सबको मेरा नमस्ते. जोर से, बहुत दिनों से सोच रही थी अपनी दोस्त को क्या उपहार दूँ. शादी के दिन सोचा क्यों ना शिक्षा को उपहार दूँ. बुलबुल को चमन, चमन को बुलबुल मुबारक हो. रेणु को कृष्ण, कृष्ण को रेणु मुबारक. दो फूल खिले, दो नयन मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया. दो दूर दूर के मुसाफिरों ने संग रहना स्वीकार किया. भरा हुआ है मिलन कमल के इन तारों में. भव्य और वेदांश की जोड़ी बनी है हजारों में. तेरा जो पति नहीं तुम्हारा प्यार है. तुम इसकी आज्ञा में रहना ये तुम्हारा ही आन और शान है. क्या बोला दुनिया वालों, क्या फूल खिलते हैं मुरझाने के लिए, क्या लड़की बड़ी होती है पराए घर जाने के लिए. आंसू मत बहाना तुम्हारा जोर नहीं चलेगा. तुम्हारे कहने से ना दुनिया का दस्तूर टलेगा. बना दुनिया का दस्तूर निभाना पड़ेगा. किसी को अपना बनाने के लिए वरमाला गले में पहनाना पड़ेगा. भव्या पली है लाडो से, ये बिल्कुल भोली भाली. तुम सबकी, हम सबकी विनती है रखना इसकी, करना इसकी रखवाली. जिसको अपना कहते थे वो आज मेहमान बनी. वर्षों की जानी पहचानी आज तो अनजान बनी. ये संदेश पिता और भाइयों का प्रिय भव्या तुम स्वीकार करो. तुम दोनों परिवारों में खुशियां जीवन भर भंडार भरो.
कश्यप कुल की दी गई शिक्षा का प्रकाश दिखा देना। जो ये शिक्षा दी गई है भव्य, इसे अपने आंचल में छुपा लेना। भव्य, आज पिछड़ना तेरा हमसे सहा नहीं जाएगा। जो कुछ उठा है मन में मुंह से कहा नहीं जाएगा। यार भव्य की शादी हो गई। माय कबीरा, हमेशा खुश रहो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको पूरी शादी देख के बहुत मजा आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की बहुत सारी चीजें कैप्चर करूं, बट इतनी चीजों में इन्वॉल्व हो गई थी कि कुछ चीजें छूट गई। बट एनीवेज मैंने ज्यादातर चीजें कवर कर ली है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल क्यों नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करते हुए जाओ। और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं कर सकते। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।